देख रहा हूं इन आंखों में टूट के गिरते तारों को, और ऐसे ही तो देखा होगा देवदास ने पारों को। इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट्स कितने प्रकार के होते? इंडक्टिव इफेक्ट किस कार्बन एटम तक काम करता है, अल्फा बीटा गामा? इंडक्टिव इफेक्ट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर कैसे देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट्स बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट्स स्टेबिलिटी कैसे देख? इसके लिए बहुत डिटेल वीडियो आपका आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट्स के लिए। लेकिन बच्चों आज के वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट में वो चीज आपको याद करवाना है उद्देश्य, जो आपको याद होता ही नहीं। आप 200 बार पढ़ते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं, आप 1000 बार याद करते हैं एग्जाम में आप भूल जाते हैं कौन आर्डर सही है कौन आर्डर गलत, आपको आर्डर नहीं याद हो पाता है। इसके लिए आपको एक सुपर ट्रिक सिखाने चल रहे हैं, और अगर आपने उस ट्रिक को याद कर लिया तो फिर ये आजीवन जीवन पर्यंत आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। चाहे आप आईआईटी का एग्जाम दें, नीट का एग्जाम दें, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, आप बिना इन इंडक्टिव इफेक्ट्स के आर्डर को याद किए बिना आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो आइए कैसे याद करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। दो तरह के बच्चों होते हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट्स का डिटेल वीडियो आ रहा है, जो बच्चे फ्रेशर हैं वो बच्चे जरा भी ना घबराएं, उसके लिए अगला वीडियो बहुत डिटेल आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट्स का। उसमें हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, कैसे स्टेबिलिटी निकालते हैं किसी भी आयंस के लिए, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन आज का उद्देश्य है कि इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर याद हो, ताकि हम किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन के साथ खेल पाएं। तो बस थोड़ा सा बात मैं इंडक्टिव इफेक्ट्स की बताऊंगा, बाकी डिटेल वीडियो आ ही रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा। लेकिन आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना आप कोई भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन, कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक तो है प्लस आई और दूसरा है माइनस आई। ठीक बच्चे, जो ये प्लस आई है, प्लस आई जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजता है, रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉनों को ढकेलता है। और जो ये माइनस आई है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ये इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजता है, ढकेल देता है, हट जाओ। माइनस आई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कहने का मतलब है जो प्लस आई होता है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है और माइनस आई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। बात आप समझ गए? सपोज करिए हमारे पास कोई कंपाउंड है और इसमें कोई ग्रुप एक्स लगा हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या हालचाल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। अभी ट्रिक आपको याद करवा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, आप चाहें और भी कार्बन ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यूजली देखा जाता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये अप टू 3 कार्बन तक अच्छे से काम कर पाता है, यानी सबसे ज़्यादा इंडक्टिव का इफेक्ट है इस अल्फा कार्बन पर, उससे थोड़ा कम है बीटा पर, और भी कम है गामा पर, और इसके बाद ये इतना डिमनिश हो जाता है कि फिर उसे हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा आप बच्चों याद रखेंगे, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट्स का पावर घटेगा। यानी जो फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक है वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की पावर ज़्यादा है, जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ती जाएंगी इंडक्टिव इफेक्ट्स का पावर घटता जाएगा। तो बच्चों आइए हम लोग टारगेट पर आते हैं, कैसे याद करेंगे प्लस आई इफेक्ट और कैसे याद करेंगे माइनस आई इफेक्ट, इनके आर्डर, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी पावर का आर्डर है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक सुपर ट्रिक आपके लिए है माइनस आई इफेक्ट को याद। तो देखिएगा, न फरहान, न ऋतिक, न शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, भैया सब बेकार। न फरहान, न ऋतिक, न शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, न सलमान, साइना साइनाइट, साइना अली की कार में, अली मतलब एल्डिहाइड, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखना, न फरहान, न ऋतिक, न शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, न सलमान, न साइना अली की कार में फादर कलेक्टर और बेटा इंस्पेक्टर, क्या सीन है। ट्रिक को देखना जरा, क्या मजेदार ट्रिक है, आपको भी मजा आ जाएगा। फादर कलेक्टर और बेटा इंस्पेक्टर,
और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है तो फिर कौन है? बेंजीन है। देखना ट्रिक को समझना, ये बेंजीन है, बेंज का मतलब बेंजीन, इन को अलग कर लिया यानी इन मतलब एल्किन, बेंजीन है हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। न फरहान, न ऋतिक, न शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, बेंजीन है। और प्लस आई को याद करने की ट्रिक है, खाली कार्बन से खाली नहीं, खाली नहीं ओला कार। आजकल ओला का जमाना है, दुनिया में कहीं जाना है ओला बुक करो, कार आ गई बैठो चले जाओ। खाली नहीं ओला कार, और ये तो अपने आप याद कर लोगे, उल्टी गिनती है 3, 2, 1, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अच्छा, इस तरह से हम याद कर लेते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के पावर का आर्डर, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है किसी भी आईआईटी के क्वेश्चन, किसी भी नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट का है तो, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और इंडक्टिव इफेक्ट का डिटेल वीडियो अगला आ रहा है उसे देखने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।